सबुंको जोहार जय धर्म। मैं विनोद भगत सरन आदिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल से आज मैं सिलागाय टुंगरी पर जो एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा है जिसको रोकने के लिए आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है, कह रहा है कि एकलव्य स्कूल बने, लेकिन वीर बुद्ध भगत के स्मारक स्थल वाली और सात पूजा स्थान वाली जमीन जो है 51 एकड़ 50 डिसमिल उसमें ना बने। इसके लिए काफ़ी आंदोलन हुआ। 25 तारीख को जो बीते कल में बंदी हुई थी, चक्का जाम हुआ था बिजोपाड़ा में सुबह 11 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक। वहां पर प्रशासन के साथ जो वार्ता हुई थी 29 तारीख को, उसमें दो पक्ष के लोग 25-25 लोग उपस्थित थे। जो लोग स्कूल को उसी टोंगरी पर बनाना चाहते हैं उनके तरफ से भी 25 लोग थे, और जो लोग कहते हैं कि उस टोंगरी पर एकलव्य स्कूल ना बने, चान्हो प्रखंड के किसी भी गांव में बने, वीर बुद्ध भगत के स्मारक स्थल को उसके इतिहास के लिए रखा जाए, उनके तरफ से 25 लोग थे। और प्रशासन के साथ रांची में डीसी वगैरह के साथ बैठक हुई थी जिसमें से एक महीना का समय लिया गया था। यहाँ पर दोनों ही टीमों से 3-3 व्यक्ति को ले लिया गया था और इनके दोनों टीम के 3-3 प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया था दोनों पक्ष से, और उसका निर्णय अब लगभग समाप्त होने को है। 29 तारीख पहुंचने में मात्र 10 दिन बाकी है और आज तक कोई बैठक पहल नहीं हो रहा है। इसके चलते वीर बुद्ध भगत स्मारक स्थल को बचाने वाली टीम, आज 19 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर को एक बैठक रखी, चिंतन रखा, मंथन किया और यहाँ पर एक विचार किया कि यदि 29 तारीख तक प्रशासन नहीं जागती है और उस कमेटी के साथ वार्ता विचार रिपोर्ट तैयार नहीं करती है, वैसे परिस्थिति में ये कमेटी 2 नवंबर को वीर बुद्ध भगत स्मारक स्थल को बचाने के लिए राज्यपाल के यहाँ धरना देगी। और आज इस मीटिंग में यह एक प्रस्ताव पास किया गया और उस प्रस्ताव में 3 मांगे हैं। पहला मांग है कि वीर बुद्ध भगत के टोंगरी पर एकलव्य स्कूल ना बने। दूसरा प्रस्ताव है वीर बुद्ध भगत टोंगरी को 20 एकड़ काट करके एकलव्य स्कूल के लिए जो बंदोबस्त किया गया है उस बंदोबस्त को रद्द किया जाए और संपूर्ण 51 एकड़ 50 डिसमिल जो जमीन है उसको वीर बुद्ध भगत के नाम पर बेलगान बंदोबस्त किया जाए ताकि वीर बुद्ध भगत का सम्मान पूरे देश में रहे। तीसरी मांग यह है कि एकलव्य विद्यालय चान्हो प्रखंड में किसी भी गांव में बनाया जाए जहां पर एकलव्य स्कूल बनाने के लिए सरकारी ज़मीन उपलब्ध हो। इसके लिए प्रशासन खोज करे ज़मीन का और जहां भी उपलब्ध हो वहां पर बने। इसके लिए 3 प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री के यहां सौंपा जा रहा है। इस तरह से यहां पर उपस्थित लोग लोहरदग्गा से, गुमला से और रांची जिला के चान्हो प्रखंड, मांडर प्रखंड, नगड़ी, रातू, रांची से और कई प्रखंडों से यहां पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सिलागाय टोंगरी को बचाने के लिए जो आंदोलन हो रहा है उसका अपडेट मैं देता रहूँगा, इसलिए आप सारे लोग चैनल से जुड़े रहिए और आदिवासी सामाजिक धार्मिक जमीन का आंदोलन बचाने वगैरह का उसका मैं देता रहूँगा, आप सारे लोग जुड़े रहें। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें और मेरे
मेरा हिम्मत को बढ़ाएं। आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।